तेरे आप सब अजमेर से हैं यहाँ पर, बेसिकली तो अजमेर से हैं यहाँ पर। अजमेर से एक और आपकी तरह एक योद्धा और है, पृथ्वीराज चौहान। लगभग आप अजमेर से रहते हो कि आप जब अजमेर के अंदर एंटर भी करते हो तो यहाँ पर बड़ा सा लिखा रहता है पृथ्वीराज चौहान की नगरी में आपका स्वागत है। लेकिन आपको पता है कि पृथ्वीराज चौहान मतलब क्या व्यक्ति थे या क्या उनका कुछ व्यक्तित्व था या किस तरीके के योद्धा थे? कहा जाता है कि योद्धा नहीं थे, महायोद्धा थे। अब महायोद्धा क्यों कहा जा रहा है? देखिए, कहा जाता है कि शेर के साथ अच्छी बात क्या होती है पता आपको? घायल शेर भी है ना शेर होता है, मरा शेर भी मरा हुआ बनाता है। तो वो शुरू से एक शेर की तरह उन्होंने काम किया, इसलिए महायोद्धा बना। उन्होंने बड़े बड़े युद्ध जीते, कुछ गलतियां भी करी, लेकिन उस गलतियों के बनिस्वत फिर भी वो शेर बने रहे। समझे बात आपको? और अब उनके कुछ फैक्टर्स आपके साथ जिंदगी में ऐसा होता है कि आपने जब भी अपना काम शुरू किया होगा तो कौन सी एज में शुरू किया होगा, जब आप 20 साल के होंगे या 22 साल के होंगे। अब योद्धाओं की क्वालिटीज होती क्या सोच के देखिए, 11 साल की उम्र में अगर मैं आपको राजगद्दी पकड़ा दूं कि आपको बैठना है और इसके ऊपर राज करना और देश चलाना है 11 साल की उम्र, तो आपके लिए कितना ज्यादा मुश्किल हो सकता है सोचिए। लेकिन उस व्यक्ति को पृथ्वीराज चौहान को 11 साल की एज में राजगद्दी पर बैठा दिया गया और कहा कि आप राज्य संभालिए। सोचिए कि अब योद्धा और सामान्य इंसान में क्या अंतर होता है, इतनी उम्र में उनको पता था मुझे कैसे काम करना। चलिए ये अनुमान उस समय में कम उम्र में काम होता भी, लेकिन सोचिए कि आपको पकड़ लिया जाए कहीं पे, आपको बंदी बना दिया जाए और आपकी आंखों को फोड़ दिया जाए, आपको अंधा बना दिया जाए। अब आप एक तो जेल में, ऊपर से आपको अंधा कर दिया जाए, उसके बावजूद आप क्या करेंगे उसके बाद क्या करेंगे? लगभग आप हताश हैं क्योंकि आप हार चुके हो, आप जेल में हो और ऊपर से आपकी आंखें भी फूट दी गई, तो अब क्या करोगे आप? आम इंसान तो लगभग खत्म है, बट योद्धा की क्वालिटी क्या होती है, शेर की क्वालिटी क्या? मैंने कहा ना घायल शेर भी घायल होता है। मैंने शब्द क्यों कहा कि घायल शेर भी घायल, मतलब घायल शेर भी शेर ही होता है, उसकी फायदा मतलब उसकी क्या क्वालिटीज होती है, वही होती है कि उनकी आंखें फूट दी गई, जेल में थे, हार चुके थे युद्ध, उसके बावजूद भी उनको जब मोहम्मद गौरी को हराना था तो उन्होंने एक सिंपल सा एक अनुमति मांगी कि मैं उनके सामने जाना चाहते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं। उनके मित्र थे, चंद्रदा थे, उनके साथ हो गए और उनकी कला थी उनके पास, शब्द भेदी वाण उनको विद्या आती थी। उसमें क्या होता था, सुनकर वो वाण चला सकते थे, तीर चला सकते थे। जब उनके सामने उनको लाया गया तो जिस दुश्मन ने उनको एक मैदान में हराया था, जिस दुश्मन ने उसको एक मैदान में हराया था, उसने उनको अपने सामने बुलाया और हताश तो थे, आंखें आपकी निकाल ली गई है, आपको अंधा कर दिया गया। उस दौरान उन्होंने मोहम्मद गोरी की आवाज सुनकर उसको वहीं के वहीं मार दिया, हमें विश्वास। ये एक ऐसी क्वालिटी जो अजमेर के योद्धा में थी, और आप लोग की अच्छी बात है आप सब अजमेर से हैं, तो आपको पता होना चाहिए था कि क्योंकि आपका भी एटीट्यूड आपको ये रखना है कि आप अगर अपने आपको शेर मानते हो तो आप बहुत सारे, जैसे कि आपने कहा सेल्स के अंदर हम अक्सर हार जाते हैं, तो हार के भी अगर आप हो तो वो तो शेर ही, और अगर आप चूहे हो कि ठीक है छोटा काम कर रहे हैं छोटा चूहा, तो चूहे के साथ अच्छी बड़ी बात क्या होती है पता आपको, मतलब आप चूहे दौड़ में जीत भी गए ना तो आप चूहा कहलाते हो, क्योंकि लॉस भी है इसके अंदर। जिंदगी में जियो तो शेर की तरह जियो, और हारे भी और मरे भी तो कहलाओगे तो शेर। तो एक ऐसे ही योद्धा थे हमारे अजमेर के, जिसके लिए मुझे लगता है आपको पता होना चाहिए, और इन दोनों की मूवी भी आ रही, हो सकता है आप देखें।